आगामी त्योहार गणेश उत्सव जो कि 31 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, इसी के साथ ढोल ग्यारस पर्व को शांति से मनाने के उद्देश्य से अकोदिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शांति समिति की बैठक में गणेश उत्सव समितियों के सदस्य उपस्थित हुए। बैठक के दौरान नायब तहसीलदार मुकेश सावले एवं थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह देवड़ा ने नगरवासियों से त्यौहार को शांति व सद्भाव से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा, गणेश विसर्जन के दौरान बच्चों को साथ में ना ले जाए तथा सावधानी रखे, कम संख्या में नागरिक विसर्जन के दौरान जाए ताकि कोई घटना ना हो। इस अवसर पर नायब तहसीलदार मुकेश सावले, थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह देवड़ा, कपिल परमार, इंजीनियर MM मालवीय सहित नागरिक गण एवं पुलिस जवान मौजूद रहे। आने वाला जो 31 तारीख से जो गणेश चतुर्थी से गणेश जी 10 दिन के लिए जो त्यौहार आ रहा है हमारा, उन सभी नगरवासियों को और गणमान्य नागरिक को बुलाया गया और जो झांकियां बना रही, जो झांकियां अपने मोहल्लों में और वार्डों में बिठाएंगी गणेश जी को, उनसे सबसे यही आग्रह किया है कि जो त्यौहार आ रहा है सावधानी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से हमें मनाना है और विशेष रूप से जो खुले तार हैं लाइट के उन पे ध्यान रखना है, वो खुले ना रह जाए। उसके बाद जब हम विसर्जन के लिए जाएंगे तो उस समय विशेष सावधानी रखें, छोटे बच्चों को ना ले जाए और जो भी प्रोटोकॉल है जिससे हमारे जनमानस की वो सुविधा हो, सहयोग मिले, सुरक्षा हो, उन सारी चीज़ों को पालन कराने के लिए बोला है TI साहब और हमने दोनों ने ये उनको आश्वासन दिया है कि प्रशासन की तरफ से आपको जो भी सहयोग लगेगा हम पूरी तरह हम तैयार हैं, आप बस शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार मनाएं। शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।